गुड मॉर्निंग क्लास प्ले ग्रुप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। तो ईवीएस का सिलेबस देख लीजिए सभी बच्चे मेरे साथ। ईवीएस ओरल में आप लोग का आ रहा है लर्न फ्लावर्स नेम, लर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओरल वर्क हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ ईयरली कोर्स हम लोग का ओरल कंप्लीट हो चुका है। ऑल इन वन राइटिंग बुक में हम लोग पेस्टिंग कर रहे थे, तो पेस्टिंग में हम लोग का मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट वीडियो हम लोगों की पार्ट 10 रहेगा ये ईवीएस का। तो ऑल इन वन राइटिंग बुक सभी बच्चे ओपन करें मेरे साथ। मैंने पेज नंबर 33 तक आप लोग को पार्ट 9 में मैंने आप लोग को पेज नंबर 33 तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं वीडियो पार्ट 10 में आप लोग को पेज नंबर 34 से स्टार्ट कराऊंगी। तो पेज नंबर 34 पर आप लोग की स्लीपिंग लाइन दी है। सबसे पहले ऊपर बच्चे शो करेंगे पार्ट 10। ओके, डेट शो करिए जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। कंप्लीट द पैटर्न विद स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को कंप्लीट करना है। ये आप लोग को डॉट दिया है, डॉट पर पेंसिल रखिए और इसको इधर पेंसिल चलाइए और ये डॉट पर स्टॉप कर दिए। ये आप लोग की क्या बन गई? स्लीपिंग लाइन बन गई। नेक्स्ट देखिए, डॉट पर रखी पेंसिल और सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए चले, यहाँ पर डॉट पर हमने स्टॉप कर दी। यह हम लोगों की बन गई स्लीपिंग लाइन। थर्ड पर देखिए, ये डॉट पर रखी पेंसिल और इसको डॉट को ज्वाइन करते हुए चले, यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप कर दी। ये हम लोगों की बन गई है स्लीपिंग लाइन। अब आ जाइए पेज नंबर आप लोग 35 ये है। यहाँ पर भी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक पर डालें पार्ट 10। ओके, यहाँ पर भी ये भी हम लोग को स्लीपिंग लाइन बनानी है। डेट शो कर दीजिएगा। देखिए, डॉट पर रखी है मैंने पेंसिल, सारे डॉट्स को धीरे धीरे मैं ज्वाइन करते हुए चल रही हूँ। आराम से आप भी सब बच्चे ऐसे ही ज्वाइन करते हुए चलें और यहाँ पर डॉट पर स्टॉप कर दी। ये हम लोगों की क्या बन रही है? स्लीपिंग लाइन बन रही है। अब नीचे देखिए, रैबिट की भी मैंने सारे डॉट्स ऐसे ज्वाइन करते हुए चली, सभी बच्चे इसको ऐसे ही ज्वाइन करते हुए चलें। ये हम लोगों की बन रही है स्लीपिंग लाइन। सारे डॉट्स को डॉट से ज्वाइन करते हुए चलना है सभी बच्चों को। वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से देखें ताकि आप लोग की समझ में आ जाए कहाँ से ज्वाइन करना है। देखिए, मैं डॉट पर पेंसिल रख रही हूँ, ये जितने भी डॉट दिए गए हैं सबको ज्वाइन करते हुए लास्ट डॉट पे स्टॉप कर देती हूँ पेंसिल, तो मेरी स्लीपिंग लाइन कंप्लीट हो जाती है। सारे डॉट्स ज्वाइन करते हुए चलिए, लास्ट डॉट पे इसको स्टॉप कर दीजिए। ये आप लोग की क्या हो गई? स्लीपिंग लाइन कंप्लीट हो गई। ओके, अब पेज नंबर हम लोग को कौन सा ओपन करना है? पेज नंबर हम लोग 36 ओपन करा है। 36 ओपन पर हम लोगों को क्या दिया है? स्लैंटिंग लाइन दी गई है। तो अभी हम लोग लास्ट क्या बनाकर आए हैं? स्लीपिंग लाइन बनाकर आए हैं। अब हम लोग स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर सब डालिए पार्ट 10 वीडियो। ओके, डेट शो करनी है जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। आई एम विनय, वी आर ऑन अवर वे ऑफ द फील्ड। देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट बिगेन टू रेन। वी हैड अ लार्ज अम्ब्रेला, थैंक गॉड पूजी इज अ क्लावर, शी सेट बिसाइड एज अंडर द अम्ब्रेला, बट बबलू गॉट वेट सो ब्यूटिफुल इन द रेन। ठीक है, तो ये हम लोग को रेनिंग है, इसमें बता रहे हैं कि मैं विनय हूँ और यहाँ पर डार्क क्लाउड्स हैं रेनिंग के लिए और हमारे पास एक बिग अम्ब्रेला है। जो पूसी है वो अम्ब्रेला के अंदर है लेकिन जो बबलू है वो भीग चुका है रेन में। तो ये रेनिंग आपकी कैसी दी है? स्लैंटिंग लाइन में दी है। तो इस स्लैंटिंग लाइन को बनाएंगे। देखिए, ऊपर ये डॉट रखा है, इस डॉट पे पेंसिल रख के इसको सारे डॉट्स को नीचे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये आप लोग को क्या बन जाएगी? स्लैंटिंग लाइन बन रही है। ऐसे ही सब बच्चे स्लैंटिंग लाइन को कंप्लीट करिए मेरे साथ। ब्लू डॉट्स को सबको ज्वाइन करनी है और ब्लू डॉट पर स्टॉप कर देनी है। ये आप लोग की क्या बन रही है? स्लैंटिंग लाइन बन रही है। सब बच्चे ध्यान से देखें वीडियो को और अपनी स्लैंटिंग लाइन को कंप्लीट करेंगे। ब्लू डॉट पे मैंने पेंसिल रखी, सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए मैं नीचे की साइड गई और यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ब्लू डॉट पे पेंसिल रखी, ये मैंने स्टॉप कर दिया। सभी बच्चे ऐसे ही करेंगे जैसे मैं वर्क कर रही हूँ। ऊपर से लाएंगे इसको नीचे की साइड।
ब्लू डॉट पे पेंसिल रखेंगे और नीचे की साइड लाके स्टॉप कर देंगे। ये आप लोग की रेन भी कंप्लीट हो गई है और रेन कंप्लीट करने से हम लोग स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख गए हैं। ये आप लोग का यहाँ पर हो गया स्लैंटिंग लाइन कंप्लीट। ओके, ये हम लोगों ने कौन सी लाइन बनाना सीख ली, अब हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख ली। अब देखिए पेज नंबर 37 पर आप लोग डाल लीजिए पार्ट 10, ये भी हम लोग की स्लैंटिंग लाइन है। डेट शो कर दीजिए पेज नंबर 37 पे, हम लोग का वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा आज, कोर्स भी हाफ इडली का कंप्लीट हो जाएगा। ये भी रेन है, इसको भी इस डॉट्स को ज्वाइन करना है आपको और स्लैंटिंग लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए सारी डॉट्स जैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ ऐसे ही सब बच्चे इसको ज्वाइन को करें डॉट्स को और रेन कंप्लीट हो जाएगी आप लोग की। देखिए ऊपर पेंसिल रखती हूँ, जहाँ स्टॉप होता है पॉइंट होता है वहाँ स्टॉप कर देती हूँ, तो रेन मेरी बनती जा रही है और स्लैंटिंग लाइन बनाने की मुझे प्रैक्टिस भी हो रही है। सभी बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करें, ऊपर ब्लू लाइन पे रखें, नीचे स्टॉप कर दें इसको पॉइंट पर जा करके। सब लोगों को क्लीन बनाना है ताकि आप लोग की रेन अच्छी साफ साफ नज़र आए। ऊपर पेंसिल रखनी है और नीचे ये डॉट पर स्टॉप कर देना है। ऊपर पेंसिल रखेंगे, नीचे डॉट पर स्टॉप कर देंगे। ऊपर पेंसिल रखी, नीचे डॉट पर हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया पेंसिल को। ये आप लोग की क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पेज नंबर 37 कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक करने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक पे डाल दें हाफ एयरली कोर्स कंप्लीट। ओके, यहाँ आप लोग का हाफ एयरली कोर्स कंप्लीट हो चुका है सभी बच्चों का बुक में। ठीक, यहाँ तक सभी पार्ट 10 तक वीडियो को आपने अपने देखते रहिए, याद भी करते रहिए। ऑल इन वन राइटिंग बुक में जितनी मैंने आप लोग को पेस्टिंग कराई है पेस्टिंग भी करिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाइए वो भी कंप्लीट करिए। सभी बच्चे अपना अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके रखें। यहाँ आज आप लोग का हाफ एयरली कोर्स कंप्लीट होता है, सभी बच्चों को यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। ओके, थैंक यू।